धनबाद के पुटकी में भी राजकीय उच्च विद्यालय में जेपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने जेपीएससी परीक्षा पत्र लीक होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र का बंडल पहले से खुला हुआ था। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम ने छात्रों को समझाया, जिसके बाद आधे घंटे बाद परीक्षा फिर से शुरू हुई। नंबर मैच नहीं कर रहा है, ओमार सीट और बुकलेट नंबर दोनों चेंज है। हम लोग बाहर आए तो फिर नोटिस कर, जब मैच करे तो देख रहे इसका एकदम अलग, इसका अलग, तब हम लोग नोटिस किए कैसे तो उसी में हम लोग लगे, हम लोग इसमें नोटिस नहीं, सब शांत करा बैठा दिए, कुछ नहीं होगा, आप कोई पेपर लिखने हुआ आराम से दीजिए एग्जाम, ऐसे बोल करके शांत करवा दिए। अपने क्लास के बारे में मैंने देखा कि मेरे कहीं कहीं बेंच पे एक कैंडिडेट को बैठाया गया है, कहीं कहीं तीन बैठाया गया है, कहीं कहीं दो बैठाया गया है। जब इसमें मैंने बात किया कि सर ये तो अनफेयर हो रहा है, किसी के साथ में आप अकेले बैठा दे रहे हैं, किसी को तीन तीन कॉम्बिनेशन दे दे रहे हैं, तो वो सर क्या बोलते हैं, सबसे पहले मुझे डराने की कोशिश की गई कि नहीं तुमको एग्जाम देना है या नहीं देना है। उसके बारे में बताया कि नहीं ये जो बैठाया गया है वो तुम्हारे गाइडेंस से नहीं बैठाया गया है, ये जेपीएससी के नॉर्म्स के अनुसार से बैठाया गया है, अगर तुम्हें कंप्लेन करना है तो जाकर के कर दो। मैं उसमें बोला कि सर इसका आपको रिटर्न प्रूफ देना पड़ेगा कि नहीं यही नॉर्म्स है, ये बात हुआ पहले। दूसरी बात, जब क्वेश्चन आया हमारे रूम में तो वहां पे ये होना चाहिए कि जितने भी सारा बंडल उसका भर रहा है वो हमारे समक्ष में खुलना चाहिए, लेकिन लेकिन वो सील नहीं था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन को सबसे पहले ऑफिस में खोला गया और जितना कैंडिडेट जिस क्वेश्चन रूम में था उतना ही क्वेश्चन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।